गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में पाठ तीन, सर्वनाम परिचय। लास्ट क्लास में हमने सर्वनाम परिचय की परिभाषा के बारे में पढ़ा था, उसमें लिंगों के बारे में और वचन के बारे में पढ़ा था और पुरुष के बारे में पढ़ा था। तो पुरुष में हम सर्वनाम में पुरुष में ज्यादा प्रयोग करते, तो पुरुष का हमने तीन पार्ट पढ़ा था, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो हमने फर्स्ट जो लास्ट क्लास थी उसमें प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष के बारे में और उसके आगे। तो चलिए हम करते हैं पहले मध्यम पुरुष क्या है। मध्यम पुरुष युष्मत, ये हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष युष्मत। तो इसमें जो होता है उसका अर्थ होता है तुम, क्या होता है तुम। तो इसमें हम पढ़ेंगे त्वयम, त्वयम का क्या अर्थ होता है तुम, युवांग का तुम दोनों और युवम का तुम सम। फिर उसके बाद है हमारा उत्तम पुरुष अश्मत, उत्तम पुरुष अश्मत। जो अश्मत है इसमें उत्तम पुरुष का उसका अर्थ है मैं, और उत्तम पुरुष का मैंने आपको पहले अर्थ बता रखा है कि उत्तम पुरुष हम स्वयं होते हैं और उसका अर्थ होता है मैं, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि कौन कौन से इसमें हमारे करता है, अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दो और वयम मतलब हम सब। उसके बाद हम देखेंगे कि जो अश्मत और युष्मत है हमारा सर्वनाम शब्दों के, अश्मत और युष्मत सर्वनाम शब्दों के रूप तीनों लिंगों में एक ही समान रहते हैं। मतलब जो हमारे लिंग होते हैं कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तो तीनों लिंगों में हमारे एक ही समान चलते हैं, इसीलिए हमने सिर्फ इन्हीं को यहाँ पे लेके लिखा है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि अन्य सर्वनाम शब्द, अन्य और कौन कौन से शब्द होते हैं जो हमारे सर्वनाम परिचय में आते हैं। हम पढ़ेंगे किम के बारे में, किम। अब देख रहे होंगे संस्कृत में ज्यादा किम, कहा, के, ये सब आता है, तो हम करेंगे जो हमारा होता है किम। तो किम का क्या अर्थ होता है, क्या भी होता है और कौन भी होता है। अब इस पे डिपेंड करता है कि वो हमारा कि किस जगह पे है, किस लिंग में है, पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसकलिंग में है। हर लिंगों में अर्थ हमारे सेम होते हैं, पर हमारा जो शब्द होता है, कैसे सूचित जो शब्द होता है वो अलग अलग होता है। पहला है हमारा पुल्लिंग, पुल्लिंग में हम देखेंगे हमारे जो दिए हैं सारे पुल्लिंग में कौन कौन से हैं, इसमें देखेंगे कहा का अर्थ है कौन, कौ का अर्थ है कौन दो और के का अर्थ है कौन सब। उसके बाद हमारा ये देखें आपने कहा, कौ और के, हमने एक बड़ा पुल्लिंग में आते हैं ये। फिर उसके बाद हम देखेंगे स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में क्या है हमारा का अर्थ है कौन। फिर उसके बाद हमारा ये देखेंगे के का अर्थ है कौन दो और कहा का अर्थ है कौन सब, ठीक है। उसके बाद हमारा नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग में हमारा आता है इसमें देखेंगे एकवचन में किम, किम का अर्थ है कौन, के का अर्थ है कौन दो और कानीह का अर्थ है हमारा कानीह कौन सब। तो ये हमारे क्या है पुल्लिंग में था, ये स्त्रीलिंग में और नपुंसक लिंग में। इसमें आप देखेंगे कि शब्द जो हमारे जो है वो अलग अलग है और इनके सबके अर्थ जो है एक वचन में सबका एक जैसा, द्विवचन में एक जैसा और हमारा बहुवचन में एक जैसा है, अर्थ एक ही है, पर जो हमारे हैं ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में जो सब पर्सन सूचक शब्द लिए गए हैं वो अलग अलग है। उसके बाद हम देखेंगे कि संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग हम कैसे करेंगे, जो संज्ञा होते हैं उसके साथ हम सर्वनाम का प्रयोग कैसे करते हैं। देखेंगे हम पहले पुल्लिंग प्रथम विभक्ति में कि हमने जो संज्ञा का सर्वनाम के साथ कैसे प्रयोग किया है। क्या देखेंगे आप, सह कह, सह कह इसका अर्थ है वह क्या, सह कह मतलब सह का अर्थ होता है वह और कह का मैंने आपको अभी बताया क्या अर्थ होता है क्या, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो, फिर उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे इसके तो कौ है, फिर से ते कौ है, तो हम इसको ऐसे नहीं पढ़ेंगे, इसको इस तरीके से पढ़ेंगे हम, ठीक है। सह का वह क्या है, फिर हम पढ़ेंगे ऐसा शुकह, इसका मतलब ऐसा शुक वह तोता, अयम सुकह यह तोता। आप यहाँ पे देखेंगे जो ऐसा है वो क्या है हमारा, ये है हमारा सर्वनाम, क्या है ये सर्वनाम, और जो सुखा है वो क्या है हमारा संज्ञा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है हमारा अयम सुखा यह तोता है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसमें द्विवचन में तो कौ,
गया, फिर ए तो सुखो, वह दो तोते, इमो सुखो, यह दो तोते। फिर इसके बाद हम देखेंगे बहुवचन में ते के, वह क्या, एते सुखा, एते सुखा का क्या अर्थ है, वह सब तोते। फिर से इमे सुखा, इमे सुखा का क्या है, यह सब तोते। ये हमारा था पुल्लिंग प्रथम विभक्ति का संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें बताए कौन सा हमारा सर्वनाम है, कौन सा संज्ञा है, तो देखेंगे जो ऐसा सुखा है, मैंने जो आपको यहाँ पे बताया ऐसा सुखा है, इसमें ऐसा पुल्लिंग प्रथम विभक्ति का सर्वनाम पद है। किसका है, प्रथम पुल्लिंग का प्रथम विभक्ति का सर्वनाम पद है, तथा सुखा उसी विभक्ति का संज्ञा पद है। जो ये विभक्ति हमारी इसमें बताया जो सुखा है वो क्या है, संज्ञा पद है, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब देखेंगे इसी प्रकार संज्ञा के साथ साथ क्या है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें हमने अन्य उदाहरण भी दिया है स्त्रीलिंग का प्रथम विभक्ति का, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे सहा का इसका अर्थ है वह क्या, फिर ऐसा गायिका, यह इसका क्या अर्थ है, वह गायिका है, यम गायिका, यह गायिका है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे दूसरा हमारा द्वितीय है द्विवचन में ते के, वह इसका क्या है, ते के का क्या अर्थ है, वह दो क्या है। फिर उसके बाद क्या है, एते गायके, इसका क्या अर्थ है, वह दो गायिकाएं है। इन्हें गायके, इसका क्या अर्थ है, यह दो गायिका है। उसके बाद आप देखेंगे बहुवचन में तहा कहा, वह सब क्या है, वह सब क्या, एतः गायिका, ये सब गायिकाएं। फिर उसके बाद देखेंगे इमः गायिका, यह सब गायिकाएं। तो ये हमारा था स्त्रीलिंग में प्रथम विभक्ति का। अब उसके बाद हम देखेंगे नपुंसक लिंग में प्रथम विभक्ति का पढ़ेंगे हम। यहाँ पर देखेंगे तत् किम का क्या अर्थ है, कि यह क्या। फिर है एतत् कंदुकम, यह गेंद। इमा इदं कंदुकम, यह गेंद, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे ते के, तो ये क्या है हमारा, ते के, ये दो क्या। फिर इसके बाद है एते कंदुकम, ये दो गेंदे। इमं यह ना इने कंदुके, यह सब यहाँ पे, यह दो गेंदे, ठीक है, इसका अर्थ है। फिर उसके बाद देखेंगे बहुवचन है तानी कानी, फिर से सही तानी कानी, तो ये होगा आपका कि, ये सब क्या, इसका अर्थ है तानी कानी का अर्थ है ये सब क्या। ए तानी कंदुकानी, तो इसका क्या अर्थ होगा, ये सब गेंदे। इमानी कंदुकानी, इसका अर्थ है यह सब गेंदे। तो ये हमने आपको क्या बताया, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य सर्वनाम शब्द जो प्रश्न सूचक में प्रयोग होते हैं। फिर उसके बाद हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के बारे में संज्ञा के साथ सर्वनाम का प्रयोग हमने पढ़ाया। आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया होगा, और आपको इस होमवर्क से क्या करना है, होमवर्क में अच्छे से रिवाइज करना है, पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा। उस वीडियो को खोलिए और इसको बार बार पढ़िए, ताकि आपको समझ में आए कि जो सर्वनाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और संज्ञा के साथ उसका कैसे प्रयोग होता है। आज के बाद आपका जो है चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसका पीडीएफ भर जाएगा, वर्क जाएगा, उसको अच्छे से आपको नोटबुक में करना है और रिवाइज करना है। थैंक यू।